बाबा ये कृष्ण छलिया है, इसने मुझे इस पर्वत की गुफा में भेजा ये कहकर। वो पर्वत देख रहे हो वहाँ ऊपर, वहाँ पंच में एक गुफा है, वहाँ भीतर एक बहुत ही सुंदर बड़ा पुष्प खिलता है, अब राजा को वही चाहिए। पर जब मैं उस गुफा में गया, एक छलिया ने एक बड़े से पत्थर से उस गुफा का द्वार बंद करवा दिया। राधा, क्या तुमने ऐसा कहा था कृष्ण से? नहीं बाबू, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं बताता हूं, कृष्ण ने दामा की हत्या करने का प्रयास किया है काका, ताकि वो बरसाना की गद्दी हत्या सके। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पर उचित समय पर पहुंच गया, अन्यथा आज हमारा दामा जीवित नहीं होता काका। कृष्ण, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने कभी तुम पर विश्वास किया था। आज मैं स्वयं से लज्जित हूँ, मैंने तुम्हारे जैसे कपटी व्यक्ति के हाथ में अपनी लाडली का हाथ सौंप दिया, बहुत बड़ी भूल हुई। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे पुत्री। अब भूल हुई है तो उसका मोल भी आप ही को चुकाना होगा। इसी धूर्त के साथ आपके पुत्री का विवाह होगा कल, और जो मैं मांगूंगा वो आपको देना होगा ससुर जी, और यदि आपने नहीं दिया तो समस्त 108 गांव में आप अपना ये मुख दिखा नहीं पाएंगे। कृष्ण बस करो, भगवान के लिए मौन हो जाओ, मैं और नहीं सुन सकती। अच्छा, जैसा पिता वैसी पुत्र। मेरे उपकारों का कोई मोल ही नहीं है। राधा, तुम ये भूलना मत, मैंने तुम्हें हर संकट से बचाया है। आप लोगों ने मेला रखा था, सब व्यर्थ जाने वाला था। आप लोग यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति जहां खड़ा है वो बरसाना, सब चला जाता। आज है तो केवल मेरे कारण है, मैंने आप सबकी रक्षा की है, कोई भूलना नहीं। जब तुम और तुम्हारा परिवार कहीं दूर से आया था तो हमने तुम पर दया कर तुम्हें आश्रय दिया था। वृंदावन मैंने ढूंढा था तो उसका दान हमने तुम्हें दिया था। मैंने बरसाना पर अनंत उपकार किए राधा। मैंने तुमसे अनंत प्रेम किया है कृष्ण। मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। पाने को ही प्रेम करे, जग की है ऐसा उपहास है, तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी? यदि तुमने मुझसे विवाह नहीं किया ना राधा, तो तुम्हारा विवाह कभी नहीं होगा, कोई विवाह नहीं करेगा तुमसे। कल पूरे समाज के सामने हमारा विवाह होने वाला है, क्या उत्तर दोगी तुम? क्या स्पष्टीकरण दोगी सबको? और जब सब तुम्हारी निंदा करेंगे ना, तब मैं देखता हूं कौन विवाह करता है तुमसे। तुम्हें क्या लगता है, किसी को हमारे प्रेम के विषय में ज्ञात नहीं है? सब जानते हैं हमारे प्रेम के विषय में,
सब जानते हैं राधा कृष्ण के प्रेम के विषय में, अनंत काल तक जानेंगे। राधा, तुम्हारा नाम कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, कोई तुमसे विवाह नहीं करेगा। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ उपस्थित कोई भी मुझसे विवाह नहीं करेगा? लगता नहीं, विश्वास है, और इतना अटल विश्वास है कि तुम्हें चुनौती दे सकता हूं मैं कि यदि किसी ने तुमसे विवाह किया तो तुम्हारे विवाह में हर समय मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा, प्रबंध में हाथ बटाऊंगा राधा। और यदि किसी ने किया तो स्वयं अपनी आंखों से तुम्हें किसी और का होते हुए देखूंगा, अपने इस अहंकार को चूर चूर होते हुए देखूंगा मैं। जब कृष्ण स्वयं मेरा श्रृंगार करेगा, मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंडप तक ले जाएगा, एक अंतिम बार तुम्हें फिर से मेरी शक्ति बनना होगा कृष्ण। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। तो ठीक है, अब तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे कि बरसाना अपनी बेटी का सर नहीं झुकने देगा। कौन है यहां जो मुझसे विवाह करेगा, बोलिए। नहीं राधा, तुम किसी के समक्ष नहीं झुकोगी। तुम्हारा विवाह होगा और कल ही होगा, और मेरा पुत्र आयन तुमसे विवाह करेगा राधा। हाँ, मैं करूंगा राधा से विवाह। कृष्ण और राधा के विषय में जो बातें कही जाती उन्हें सुनने के पश्चात कदाचित कई लोग इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते, किंतु मेरे लिए मेरे बाबा के वचन का मान रखना सर्वोपरि है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं राधा से विवाह करने हेतु सज्ज हूं, सज्ज हूं, सज्ज हूं। बोलो राधा, क्या तुम्हें यह संबंध स्वीकार है? पुत्री, क्या तुम्हें यह प्रस्ताव स्वीकार है? मुझे यह विवाह प्रस्ताव स्वीकार, स्वीकार। देखा, हार गए ना, अब अपने अहंकार को चूर चूर करो और अपनी चुनौती को पूरा करो। वचन दिया है तो निभाऊंगा अवश्य, तुम्हारे विवाह में सदैव तुम्हारे आसपास रहूंगा, तुम्हारे विवाह में स्वयं तुम्हारा श्रृंगार करूंगा, हाथ पकड़कर मंडप तक ले जाऊंगा, तुम्हें स्वयं बिठाऊंगा और स्वयं अपनी आंखों से तुम्हें किसी और का होते हुए देखूंगा राधा। उचित है? सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है राधा, जाने दो इसे। इसे तो विवाह के शुभ अवसर पर आमंत्रित ही नहीं करना चाहिए। नहीं बाबा, मैं चाहती हूं कि ये स्वयं अपनी आंखों से मुझे किसी और का होते हुए देखे, मेरे सुखी जीवन की यात्रा के एक एक क्षण का साक्षी बने। और इसे आभास हो कि इसने अपने लोभ में आकर क्या खोया है। जैसा तुम चाहो राधा।
मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। कृष्ण का ये एक अंतिम मिलन, यही दाऊ का अंतिम उपहार है दो अनंत काल के प्रेमियों के लिए। अंतिम मिलन में दाऊ ने पुनः हमें वो क्षण उपहार के रूप में दे दिया कृष्ण, जहां हम पहली बार मिले थे। भी नहीं सोचा था कितनी सुखद प्रेम कहानी का इतना दुखद होगा। प्रेम पाने या खोने के लिए होता नहीं है राधा, प्रेम केवल जीने के लिए होता है। और अच्छी बात तो यह है कि इस विरह क्षण के विषय में हमने तब नहीं सोचा, अन्यथा हमारी ये प्रेम कहानी, ये सारे सुंदर क्षण जो हमने अनुभव किए, हम नहीं कर पाते। सच में राधा, मैं अभिभूत हो गया हूं।
यही प्रेम एक बार फिर मैं इन नेत्रों में देखना चाहता था। राधा कृष्ण को एक होते हुए उनका मिलन देखना चाहता था मैं। अब इससे अधिक और मैं कर भी क्या सकता हूं। राधा को कृष्ण से मिलने का अवसर दिया है आपने दाऊ, इससे अधिक तो मेरे लिए कोई कुछ कर भी नहीं सकता। तुम्हें तो ज्ञात ही है माँ की दी हुई इस थाल में क्या है काना। इस थाल में मैंने तेरा प्रेम सजाया है जो तू राधा को देना चाहता था। बस अंतिम बार तुम दोनों को अपने नेत्रों में भर लूं। एक क्षण रुकिए दाऊ। राधा कृष्ण की इस प्रेम कहानी में आपका स्थान उच्चतम है दाऊ। आपको शत शत प्रणाम। संसार तुम्हें सदा उस स्त्री के रूप में स्मरण करेगा राधा, जिसने प्रेम के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। चाहो तो तुम्हारे लिए इससे भी सुंदर पोशाक स्वयं अपने हाथों से बना सकता हूं राधा। तो कैसी लगी मेरी हस्तकला? अद्भुत, अत्यंत सुंदर है। ये शगुन के आभूषण है राधा, यदि तुम चाहो तो तुम्हारे लिए कल ही आ सकते हैं। मुझसे कहीं एक भी बात नहीं भूलते। मेरी हर इच्छा, मुझे दिया गया हर वचन तुम पूर्ण करते हो कृष्ण। फिर कैसे हमारे इस अनंत परिशुद्ध प्रेम के साथ तुमने ऐसा होने दिया? क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा कृष्ण? जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी होने वाला है, ये हमारे पुराने कर्मों का फल है राधा। मानता हूं ये अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु हमें हंसते हंसते इस पीड़ा को सहना होगा राधा। जैसे यशोदा मैया ने तुम्हारे मन की बात समझ ली और ये थाल सजाई, वैसे ही मेरी माँ ने भी मेरे मन की बात समझी और मुझसे कहा कि मैं 3 माह तक ये विवाह टाल दूं। मेरे विचार से इस विवाह का कल होना ही उचित हो गया था। अभी हमें सद्बुद्धि है, शक्ति है, किंतु ये अधिक समय तक हमारा साथ नहीं देगी। यदि ये विवाह 3 माह तक टल गया तो मैं अपने मन को नहीं साध पाऊंगा। मैं अपनी राधा में, उस प्रेम में खो जाऊंगा और वचन पूर्ति का साधन नहीं, तुम पर संकट बन जाऊंगा राधा। इस विवाह को कल ही होना होगा। मैं जानती थी, मैंने भी यही सोचा था।
जाने का समय हो गया है कृष्ण, हमारे हर संबंध का अंत होने को है। अभी मेरा तुम्हें एक विशेष उपहार देना शेष है राधा, एक ऐसा उपहार जो आजीवन तुम्हें मुझसे जोड़े रखेगा। कैसा उपहार? तुम्हें जब मिल जाएगा तुम समझ जाओगे। चलो अब अपनी आंखें बंद करो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे जाते हुए देखो राधा। अब चलो आंखें बंद करो। आश्चर्य, एक रात में इतनी अद्भुत सज्जा किसने की? हम तो यहाँ विवाह के घर में साज सज्जा करने आए थे, किंतु यहाँ तो पहले से ही इतनी सुंदर सजावट हो रखी है, किंतु ये सब किया किसने? मैं भी यही सोच रहा हूँ। मानना पड़ेगा इस कृष्ण को, इतने बड़े विश्वासघात के बाद प्रेम का पाखंड रचाकर यहीं पर है। तुमसे चुनौती हार गया है, किंतु कैसे निर्लज्जता के साथ अपनी हार का परिणाम सह रहा है। राधा आओ देखो, कृष्ण के अहंकार को चूर चूर होते हुए मैंने निर्णय ले लिया है, ये विवाह आज ही होगा। पाने को ही प्रेम करे जग की है, प्रेम अर्थ समझाएगी राधा के। Thank you.